मेरे खुद का मैं मेरी आपने स्टोरी सुनी होगी, मेरे पिताजी ने मुझ पर पाबंदी लगा दी थी स्टेजों पर जाने, कॉलेज की स्टेजों पर नहीं जाना, टाइम बर्बाद होता है, पढ़ाई करो बाद में देखेंगे। तो मैं चोरी चोरी जाने लगा, जीत लेता था ट्रॉफी, ट्रॉफी जीतने के बाद मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती थी इसको घर पे कैसे लेके जाऊंगा, क्योंकि पिताजी को पता चल जाएगा। और पंजाबी बच्चों की, खासतौर पे टीचर के बच्चों की पिटाई तो आम सी बात है, मतलब वो तो हमने अपनी किस्मत में मान रखा है कि होगी होगी। तो उसके बाद जब मैं आई वॉज इन 12th grade at that time 17½ years की मेरी एज थी, 17.5 साल की उम्र में अचानक से मेरी सीडी आई और सुपर डुपर हिट हो गई। तो 6 महीने बाद नेक्स्ट आ गई, वो उससे भी हिट हो गई। तो फिर वही मेरे पिताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी वही अखबार को इंटरव्यू देने लगे। बच्चे में बहुत पोटेंशियल था, मैंने बहुत इनकरेज किया, मैंने कहा कब किया सर, मैंने कहा कब किया इनकरेज, पिटाई की है, सच बोल दो इसमें क्या है। तो उनको भी फिर ये लगने लगा ना कि मैं, मतलब यहां तक हो गया था फेम का जो नशा है, माता पिता को कैसे चढ़ जाता है, कि मेरे पिताजी ने फोन किया मेरी छोटी बहन को, सगी बहन है मेरी छोटी मनप्रीत, कि मनप्रीत मैं बोल रहा हूं फादर ऑफ भगवंत मान। उसने कहा जी मेरे नहीं हो तो उनको आदत पड़ गई थी ये बोलने की कि मैं फादर ऑफ भगवंत मान। तो मतलब पेरेंट्स को भी मैं अक्सर ये कहता हूं कि बच्चों के इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दीजिए, शायद आपके 90% पेरेंट्स ये काम लाइक नहीं करते होंगे, क्या यार ये क्या बनाएगा तू, कोई और काम कर यार, ये क्या चलेगा, कब चलेगा, ये फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा ये वो। सो वो जल्दी सक्सेस देखना, सक्सेसफुल देखना चाहते हैं बच्चों को, खैर इच्छा होनी भी चाहिए, लेकिन अगर बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक काम हो रहा है तो वही बच्चा आपको प्राउड फील करवा सकता है।